देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी के विश्व प्रसिद्ध होली में अनेक तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हर मोहल्ले में किया जाता है। इसी कड़ी में आज विवेकनगर नासिरपुर में भी होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों ने तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम गीत भजन आदि की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। वहीं डॉक्टर अर्चना सिंह प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल डीडीहा जौनपुर से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में लोग आपस में मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं और पूरा विवेकनगर कॉलोनी साथ में होली मिलन समारोह मना रहा है। और उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में एकरूपता का संदेश जाता है, ऊंच नीच अमीर गरीब सब भेदभाव खत्म करके एक साथ मिलकर होली खेलते हैं और मिलन समारोह यहाँ पर किया गया। अपने अपनी सहभागिता के साथ एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। वहीं सुसवाही वार्ड नंबर 39 के पार्षद सुरेश कुमार पटेल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और लोगों में सामंजस्य आता है। इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास भी होता है। आगे बात करने पर उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद हमारे देश का महापर्व आ रहा है, जिसमें मैं सभी काशीवासियों से आग्रह करता हूं कि सभी लोग घर से निकलकर अपने अपने मतों का प्रयोग करें, जिससे देश को एक मजबूत सरकार मिल सके। क्या बात है, देखिए पर्चा बता दीजिए। मैं सुरेश पटेल, उर्दू पार्षद, सुसवाई वार्ड 39 नंबर। आज हमारे विवेक नगर कॉलोनी में जो हमारे सुसवाई वार्ड में है और सुसवाई और करौदी वार्ड लगा हुआ है, इसमें आज एक कार्यक्रम जो है होली मिलन समारोह का कार्यक्रम। होली जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि कल होलिका दहन था और आज होली का कार्यक्रम है, रंगों का कार्यक्रम है। और उसी में विवेक नगर कॉलोनी में हमारे जितने भी गार्जियन हैं, हमारे भाई लोग, सारे लोगों ने, हमारी माताएं बहनें, सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा हुआ है। और मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि ये कार्यक्रम चूँकि अभी पहली बार शुरुआत हुआ है, आगे भी ये कार्यक्रम लगातार बढ़ता रहे। और हमने जैसा कि अभी कुछ देर पहले बोला भी है कि ये कार्यक्रम आगे चले और इसमें कवि सम्मेलन स्टेज लगाकर आगे कार्यक्रम बड़ा हो और हम लोग भी इसमें सहयोग करें। और इस प्रकार का कार्यक्रम मैं आने वाले समय में जो है एक महापर्व आ रहा है, जी चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, जी काशीवासियों को कोई संदेश? मैं काशीवासियों और अपने सभी वार्ड वासियों को संदेश देना चाहता हूं कि हम लोगों का सौभाग्य कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट दे रहे हैं और बनारस में 70,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। और कोई भी ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम लोग एक सांसद चुनते तो सांसद निधि 1.5 से 2 करोड़ रुपया पर ईयर है, मान लीजिए 5 करोड़ भी है तो 25 करोड़ रुपये। लेकिन आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र होने के कारण 70,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। और मैं सबसे ये निवेदन करूंगा अपने सभी काशीवासियों से, अपने वार्ड के सभी निवासियों, माताओं बहनों से, सभी वोटरों से कि आप लोग अपने वोट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। हम लोग का इस बार जो नारा है, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी को 543 सीट में, जो भारत के 543 सीट लोकसभा के हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वोटों से हम लोग उनको जिताएं, ताकि हम लोग एक मजबूत लोकतंत्र दे सकें। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है 2047 तक अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का और भारत को विश्व गुरु बनाने का, हम सभी लोग उसमें मिलकर सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली।